हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। देश में कोरोना के केस में लगातार गिरावट। एक दिन में 59,958 लोग पॉजिटिव पाए गए। 75 दिन में सबसे कम मामले। 24 घंटे में 2,732 लोगों ने जान भी गंवाई। कोरोना से एक दिन में 1,17,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए। देश में 9,08,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस। दिल्ली में कोरोना के 131 नए मामले। 22 फरवरी के बाद सबसे कम केस। 16 लोगों ने दम तोड़ा। उत्तर प्रदेश में भी कम हुई कोरोना की रफ्तार। एक दिन में सिर्फ 339 लोग संक्रमित। 74 लोगों ने जान गंवाई। महाराष्ट्र में कोरोना के 8,129 नए मामले। 14,500 से ज्यादा लोग रिकवर हुए। दिल्ली एम्स में 6 से 12 साल के बच्चों पर होगा वैक्सीनेशन का ट्रायल। आज से शुरू होगा नामांकन। एम्स के मेडिसिन विभाग में डॉक्टर संजीव सिन्हा का बयान। कहा 3 से 4 महीने में बच्चों के ट्रायल में आएंगे नतीजे। देश में अब तक 25,87,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। पश्चिम बंगाल में शर्तों के साथ 1 जुलाई तक बड़ा लॉकडाउन। 25% तक क्षमता के साथ खुलेंगे निजी और सरकारी दफ्तर। बंगाल में सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक ही खुल सकेंगे शॉपिंग मॉल्स और कॉम्प्लेक्स। बिना दर्शकों के हो सकता है खेलों का आयोजन। बंगाल में 50% क्षमता के साथ खुलेंगे रेस्टोरेंट। दोपहर 12 से रात 8 बजे तक खुले रहेंगे रेस्टोरेंट। हरियाणा के गृहमंत्री अनिल विज का बयान सामने आया। लोगों ने कोरोना गाइडलाइंस नहीं मानी तो लॉकडाउन में दी गई छूट वापस ले ली जाएगी। उत्तराखंड में शर्तों के साथ 22 जून तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। नेगेटिव रिपोर्ट के साथ 4 धाम यात्रा कर सकेंगे स्थानीय लोग। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को मिली एम्फोबी की 1,00,000 से ज्यादा शीशियां। केंद्रीय मंत्री सदानंद गौड़ा ने दी जानकारी। पीएम केयर्स फंड में लगाए गए 850 ऑक्सीजन प्लांट्स। डीआरडीओ के चेयरमैन ने दी जानकारी। कोरोना की तीसरी लहर के आशंका के चलते दिल्ली के निजी अस्पतालों की पहल। खुद का ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं अस्पताल। ब्रिटेन में 4 हफ्ते के लिए बड़ा लॉकडाउन। जॉनसन बोले उम्मीद है कि 19 जुलाई को खत्म हो जाएगी सभी पाबंदियां। कोरोना संक्रमण से ओमान बुरी तरह प्रभावित। बेड के लिए लोगों को करना पड़ रहा है इंतजार। मेडिकल स्टाफ की भी है कमी। राम मंदिर की जमीन खरीद में घोटाले के आरोप पर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने फिर जारी किया बयान। लोगों से किसी भी दुष्प्रचार में विश्वास न करने की अपील की। चंपत राय ने सामने रखा भूमि सौदे का पूरा लेखा जोखा। कहा जगहों को सहमति से खरीदा जा रहा है। विस्थापित हुए लोगों को उनकी सहमति से दूसरी जगह बसाया जा रहा है। जमीन विवाद पर वीएचपी के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार का बयान सामने आया। जमीन की कीमत 10 मिनट में नहीं बल्कि 9 साल में बढ़ी। आलोक कुमार ने कहा 2012 में 2 करोड़ थी कीमत, अब बाजार के भाव 18.5 करोड़। आलोक कुमार ने पूरे मामले को भ्रम पैदा करने की साजिश बताया। कहा राम मंदिर ट्रस्ट को मानहानि का केस करना चाहिए। राहुल गांधी ने राम मंदिर जमीन घोटाले मामले का पर ट्वीट किया। लिखा श्री राम स्वयं न्याय है, सत्य है, उनके नाम पर धोखा अधर्म है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने राम मंदिर ट्रस्ट पर लगाया घोटाले का आरोप। कहा मामले में संज्ञान ने सुप्रीम कोर्ट। पीएम मोदी की राजनाथ सिंह नितिन गडकरी समेत कई मंत्रियों के साथ बैठक आज फिर। अमित शाह के साथ जेपी नड्डा भी बैठक में हुए शामिल। पीएम मोदी की बैठक में मंत्रालयों के 2 सालों के कामकाज पर हुई चर्चा। मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलें। बीजेपी विधायकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ राज्यपाल से मिले शुभेंदु अधिकारी। बंगाल हिंसा को लेकर अपना ज्ञापन सौंपा। मुकुल रॉय होंगे टीएमसी के उपाध्यक्ष। 3 राज्यों की संभालेंगे जिम्मेदारी। राजस्थान कांग्रेस में कलह और तेज हुई। बीएसपी से में कांग्रेस में आए विधायकों ने तेवर दिखाए। 6 में से 4 एमएलए ने की अलग से बैठक। गहलोत सरकार से नाराजगी भी जाहिर की। संयुक्त राष्ट्र के हाई लेवल डायलॉग में पीएम मोदी का संबोधन। पीएम ने धरती को बंजर होने से बचाने का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भारत में बीते 10 सालों में वन क्षेत्र में 30 लाख हेक्टेयर की वृद्धि हुई है। भारत 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर खराब भूमि को ठीक करने की दिशा में भी काम कर रहा है। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने जानकारी दी। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। कहा दुनिया को उपदेश देने से पहले केंद्र खुद करे अमल। थोक महंगाई दर 12.94% के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंची। अप्रैल में 10.49% थी। मेहुल चौकसी को भारत लाने के लिए सरकार का एक और कदम। डोमिनिका हाईकोर्ट में भारतीय अधिकारियों ने दायर किया हलफनामा। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवादियों ने की फायरिंग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के सेक्टर 24 में चेकिंग के दौरान गाड़ी चुराने वाले गैंग के साथ पुलिस का एनकाउंटर। एक बदमाश के पैर में लगी गोली, 2 बदमाश गिरफ्तार। बॉलीवुड में ड्रग्स लेते 5-स्टार होटल से एक एक्ट्रेस और उसका साथी गिरफ्तार। कोर्ट से मिली जमानत। मुंबई में पेट्रोल पंप लाने के नाम पर 45 लाख की ऑनलाइन ठगी करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 2 फरार। मुंबई पुलिस ने बिहार से आरोपी को पकड़ा। मुंबई के मुलुंड ईस्ट टोल नाके के पास एक रेंज रोवर कार में अचानक लगी आग। कार पूरी तरह जलकर खाक। हादसे में कोई हताहत नहीं। अमेरिका के पास शिकागो में एक केमिकल प्लांट में लगी भीषण आग। फायर फाइटर्स ने प्लांट में मौजूद 70 कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
दक्षिणी कैलिफोर्निया में झाड़ियों में लगी आग की चपेट में आए दो घर जलकर हुए राख। आसपास के लोगों को घर खाली करने को कहा गया। अमेरिका के टेक्सास में मड रेसिंग इवेंट के दौरान हादसे में एक शख्स की मौत, एक सख्त। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।